दिवाली से पहले जानिए दिए जलाने का शुभ मुहूर्त। कब दीपक जलाएंगे तो मिलेगा लाभ। शुभ मुहूर्त की सटीक जानकारी। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार 5 दिनों तक चलने वाला दिवाली का पर्व धनतेरस के साथ शुरू हो जाता है। ऐसे में धनतेरस के दिन शाम को मां लक्ष्मी, कुबेर, भगवान की पूजा के साथ यमराज की पूजा करने का विधान है। इस दिन शाम के समय दक्षिण दिशा में एक चौमुखा दीपक जलाया जाता है, जिसे यम दीपक कहते हैं। मतलब ये कि इसके साथ दीपक जलाने की शुरुआत हो जाती है। लेकिन इस बार एक त्रयोदशी तिथि होने के कारण 2 दिए जलाए जाएंगे और धनतेरस 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। चलिए आपको बताते हैं यम दीपक जलाने का तरीका और शुभ मुहूर्त। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ 22 नवंबर 2022 को 6:02 पर। त्रयोदशी तिथि समाप्त 23 अक्टूबर 2022 को 6:03 पर। शाम के समय दीपक जलाना शुभ माना जाता है। यम दीपक 22 अक्टूबर को जलाया जाएगा। यम दीपक शाम के समय 22 अक्टूबर को शाम 6:02 से 7:01 तक जलेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर यम दीपक जलाते क्यों हैं। दरअसल धनतेरस के दिन यम दीपक जलाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार किसी राज्य में एक हीम नामक राजा थे। देव की कृपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। पंडितों को जब पुत्र की कुंडली दिखाई गई तो पता चला कि शादी के बाद राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में राजा ने उन्हें ऐसी जगह भेज दिया जहां पर किसी कन्या की परछाई तक उस पर ना पड़े। लेकिन वहीं उसने विधवा तरीके से एक राजकुमारी से शादी कर ली। विधि के अनुसार शादी के 4th दिन यमराज के दूत राजकुमार को लेने आ गए। यह देख राजकुमारी खूब रोई। इन सब बातों को दूतों ने यमराज को बता दी और ये यमदूत ने कहा, ये यमराज कोई ऐसा तरीका नहीं है कि व्यक्ति अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। तब यमराज ने कहा कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को शाम के समय दक्षिण दिशा में मेरे नाम से जो दीपक जलाएगा उसे अकाल मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगी। इस कारण हर साल इस दिन दीपक जलाने की प्रथा है।